गुड इवनिंग एवरीबॉडी। विजडम वेडनेसडे की इस इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आपका लाइफ कोच और मेंटर प्रोफेसर जेएस बत्रा, और हम सब लोग हैं आपके चहेते चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा सीए क्लासेस पर। तो मां बाप के प्यार बत्रा सर के राज दुलारों, राज दुलारियों, राजकुमारों, राजकुमारियों, कैसे हो, हाउ आर यू ऑल, बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में, बताइए हाउ आर यू ऑल। कल मैं जो क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे ऐसा तो हमारे घर के लोग भी हमें प्यार से नहीं पुकारते जितना आप पुकारते हो, सर रुलाओगे क्या? तो मैंने कहा बेटा घर वाले भी प्यार से पुकारेंगे, तुम घर वालों के साथ में सही तरीके से पेश तो आ जाओ, घर वाले भी इतने प्यार से पुकारेंगे राजकुमारों, राजकुमारियों, तो फटाफट से आ जाओ। शुरू करने जा रहे हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, हर बार की तरह सीए इंटरमीडिएट मई 2024 न्यू कोर्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जहां बेटा हम कोशिश कर रहे हैं आपकी तैयारियों को धार देने की, ताकि आप ला सके केवल और केवल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 40 से ज्यादा नंबर। अगर आप पढ़ेंगे बत्रा सर से तो यह संभव है, क्योंकि मैं जैसा कहता हूं बेटा एक्सपर्ट से पढ़ने का फायदा होता है। तो आप पढ़े स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्सपर्ट से, और एफएम भी पढ़े एक दूसरे एक्सपर्ट से जो एफएम का एक्सपर्ट हो, फटाफट से जुड़ जाए। विनोद टिब्रवाल आ चुके हैं, हम बढ़िया हैं, आप बताओ। बत्रा सर बेटा एज हैंडसम, एज यंग, एज डैशिंग, एज क्यूट, एज कूल, एज एवर। सार्थक पांडे गुड इवनिंग। लक्ष्मी तोपर पूछ रही कैसे हो बेटा, मैंने बता दिया, आई एम गुड। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो बेटा बत्रा सर के बारे में आप जानते हैं बेटा, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल तीनों लेवल पे पढ़ा रहे हैं पिछले 33 इयर्स और 66 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से बेटा सीए स्टूडेंट को, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के बच्चों को बेटा अब तक 200,000 से ज्यादा बच्चा पढ़ा दिया, 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक, 75 से ज्यादा रैंक पोजीशन 1, 2, 3 की, पिछली बार भी बेटा कई आई थी और इस बार भी फाउंडेशन में बच्चों ने बेटा अच्छे स्कोर किए। मैं मार्क्स दिखाऊंगा बेटा, अभी तक जो मुझे जानकारी आई है बेटा 90 नंबर हाईएस्ट बेटा बत्रा सर से पढ़ के किसी बच्चे ने स्कोर किए हैं बेटा। 20,000 से ज्यादा बनकर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप भी बनेंगे इस लेगेसी का हिस्सा बत्रा सर से पढ़कर। बत्रा सर फाउंडेशन में पढ़ाते पेपर 4 इको बीसी के, जो नए कोर्स में इको होने वाला है। बत्रा सर पढ़ाते पेपर 7 ओल्ड कोर्स में ESSM, नए कोर्स में पेपर 6 बी SM होने वाला है। सर SM ही पढ़ाएंगे? बिल्कुल बेटा, मैं FM नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं केवल SM पढ़ाऊंगा बेटा जो मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है बेटा। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि बेटा पेपर कम हो जाने के बाद में अपन जबरदस्ती बेटा दूसरा पिक कर ले। पहले FM ही पढ़ाता था, बंदा SM पढ़ाने लग गया, SM पढ़ाता था, अब FM पढ़ाने लग गया बेटा। तो ये तो बेटा वो वाली जबरदस्ती का सौदा बत्रा सर नहीं करते, हम अपने सब्जेक्ट पे टिके हुए हैं बेटा, केवल SM ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उसी का आपको एक्सपर्टीज नॉलेज हम दिया करते हैं बेटा। तो न्यू कोर्स में SM पढ़ाएंगे, ओल्ड कोर्स में बत्रा सर पढ़ाते थे इसका, अब सेल्फ प्लेस मॉड्यूल पढ़ाएंगे बेटा न्यू कोर्स में, जो कि फाइनल के एग्जाम से पहले आपको पास करने जरूरी होंगे। तो आइए शुरू करें आज की कक्षा को। तो आज है बेटा लेक्चर नंबर 7, तारीख है 9 और शाम के बजे 5 बेटा, और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बत्रा सर से मई 2024 के लिए अर्ली बर्ड बैच में। हमारी स्कीम चल रही है बेटा, ठीक है, 8 तारीख हमने लास्ट कही थी, पर बच्चों के कहने पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। कई बच्चों ने कहा रिजल्ट अभी आया है तो सर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, ताकि हमें भी मौका मिले इस 2,500 की स्कीम में पार्टिसिपेट करने का। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट के इमीडिएटली बाद बच्चे चाहते हैं हमसे जुड़ना। तो बेटा इसीलिए बत्रा सर ने इस स्कीम को एक्सटेंड किया है, ताकि 2,500 रुपीज में आप अनलिमिटेड तरीके से मई 2024 तक बत्रा सर से पढ़ सके, प्रिंटेड नोट्स प्राप्त कर सके, वर्चुअल टेस्ट दे सके और बेटा RTP MTP के सवाल कर सके। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा www.batrasar.com और 9414127277751 पे बेटा संपर्क करके ज्यादा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। पुराने में भी बेटा हमारी स्कीम चल रही है, वो कल तक ही है बेटा 10 अगस्त तक, वहां भी 50% ऑफ है, आप 4100 में ESSM प्राप्त कर सकते हैं। अगेन प्रिंटेड नोट्स, एग्जाम डे तक अनलिमिटेड व्यू, वर्चुअल टेस्ट और बेटा MTP RTP और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9414127751। रिजल्ट आ चुका है बेटा, रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है, 25% ही करीब रहा है। ऐप
आप डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, ये सब पे चलता है, विंडोज प्लेटफॉर्म पे, एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, सब पे चलता है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और बेटा प्राप्त करिए, ठीक है। मार्क्स बेटा मैंने बता दिया आपको, पिछले अटेम्प्ट मई 2023 के हाईएस्ट फलक ने 89 स्कोर किए थे ईएसएसएम में। इस बार बेटा मैं अभी बीसी के इको की लिस्ट तैयार करवा रहा हूँ, शायद आज शाम तक या कल तक आ जाएगी मेरे पास कंपाइलेशन के बाद। अभी तक जो मुझे बताया गया 90 नंबर हाईएस्ट स्कोर हुए हैं बेटा बीसी के इको में, जो बत्रा सर से पढ़े हैं। तो आइए बेटा जी शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हम पढ़ रहे थे बेटा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन तक, आज उससे आगे लेते हैं बेटा, हम बात करेंगे कॉन्ग्लोरोमेट डाइवर्सिफिकेशन की। सर कॉन्ग्लोरोमेट का मतबल क्या? बेटा जी कॉन्ग्लोरोमेट का मतबल होता है अनरिलेटेड, नो लिंकेजेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। तो कई लोग इसे कहते हैं अनरिलेटेड, कई लोग इसे कहते हैं डिसजॉइंट। बच्चे कह रहे हैं सर आज आपने रिवाइज नहीं कराया। बेटा आज मैं रिवाइज बाद में कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आज पहले पढ़ लेते हैं फिर हम रिवीजन में चले जाएंगे। तो आज नया टॉपिक है कॉन्ग्लोरोमेट। कॉन्ग्लोरोमेट का मतलब होता है अनरिलेटेड डिसजॉइंट, जिसका पहले से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे लेना देना नहीं है, ऐसा कह रहा है ये। रेखा दत्ता भी आ गई, गुड इवनिंग। शिखर जायसवाल भी आ गया, लगा दी बेटा अटेंडेंस आपकी। शाउट आउट दे दो सभी के लिए, तो सभी बच्चों के लिए फटाफट से जो आ गए हैं उनके लिए बेटा सभी लोगों को पुकार रहा हूं। विनोद टिब्रवाल, सार्थक पांडे, लक्षित तोमर, रेखा दत्ता, शिखर जायसवाल, फटाफट से आ जाओ। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेटा फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। चलिए आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, लाइक लगाना मत भूलें, वेरी गुड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्ग्लोरोमेट में क्या होता है? कोई लिंकेज नहीं होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट या टेक्नोलॉजी से, ये बिल्कुल नया होता है, डिसजॉइंट होता है। तो दो वर्ड हो गए, नो लिंकेज, डिसजॉइंट, अनरिलेटेड, ये तीन कीवर्ड आप यूज करेंगे जब भी इसको डिफाइन करेंगे आप। फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोडक्ट इन एवरी वे, ये टोटली अनरिलेटेड होता है, इसका पहले से कोई लेना देना नहीं है, या ना तो प्रोसेस में सेम है, न टेक्नोलॉजी में, न फंक्शन में, देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट एंड द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है एग्जिस्टिंग वन से। कॉन्ग्लोरोमेट डाइवर्सिफिकेशन हैज नो कॉमन थ्रेड एट ऑल, इसमें कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, इसमें कोई कॉमन थ्रेड नहीं है। जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर अगर स्टील बनाने लग जाए, रबड़ बनाने लग जाए, जैसे टाटा, ठीक है, टाटा जो है वो स्टील भी बनाने लग जाए, रबड़ प्रोडक्ट भी बनाने लग जाए, तो ये कहलाएगा कॉन्ग्लोरोमेट, मतलब पहले से बिल्कुल अलग काम करना, आप पहले से अनरिलेटेड काम कर रहे हैं। आप पहले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अब आप स्टील बना रहे हो, सीमेंट का स्टील से कोई लेना देना नहीं है, दोनों की टेक्नोलॉजी अलग, प्रोसेस अलग, है ना, सब चीजें अलग, फंक्शन अलग, और रबड़ और इससे अलग। तो आप अगर अलग अलग काम हर बार करते हैं तो बेटा क्या कहलाएगा? कॉन्ग्लोरोमेट कहलाएगा, ठीक है। बत्रा सर भी बेटा ऐसे ही काम करते हैं, बत्रा सर बेटा देखो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, बत्रा सर एजुकेटर तो है ही, ठीक है, बत्रा सर कौन है बेटा? एजुकेटर तो है ही, इसके अलावा बत्रा सर कंसल्टेंट भी है बेटा। आप इसका एजुकेटर से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेटर का काम अलग, कंसल्टेंट का काम अलग। किसके कंसल्टेंट है बेटा? ऑटोमेशन के, और किसके बेटा? मैनेजमेंट के, इसके कंसल्टेंट है, कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा क्या करते हैं बेटा? बत्रा सर आपके एजुकेटर हैं, कंसल्टेंट है, इसके अलावा क्या? रियल एस्टेट डेवलपर है, टू बी एच के, थ्री बी एच के, और बेटा विलास बना के सेल करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं बेटा? सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है, सोशली भी बेटा बड़े एक्टिव रहा करते हैं, बात आई क्या समझ में? इसके अलावा बेटा हॉस्पिटल चलाते हैं, हॉस्पिटल ओनर है बेटा, जोधपुर में चलाते हैं, जयपुर में चलाते हैं बेटा। हर काम अलग है, एजुकेटर का काम है पढ़ाना, कंसल्टेंट का काम है सलाह देना, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करके चीजें खड़ी करना और सेल करके पैसा अर्न करना,
सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कामों को करना, सरोकारों को पूरा करना, है ना, और हॉस्पिटल ओनर है, हॉस्पिटल चलाते हैं बेटा, जिसके माध्यम से पेशेंट्स की जो है वो देखभाल और सर्विसेज के माध्यम से पैसा अर्न करते हैं, है ना। और भी कई काम है बेटा, अभी मैं पूरा नहीं बता रहा आपको, है ना। इसके अलावा बेटा क्या करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। फ्रूट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं बेटा हमारी फर्मों द्वारा, और ये एक बहुत बड़ी फर्म है बेटा हमारी, जिसके तहत हम लोग बाहर के देशों से फ्रूट्स मंगाते हैं बेटा, फल फ्रूट्स, और इंडिया में खपाते हैं, इंडिया से बाहर भेजा करते हैं। तो सब काम का पहले से कोई लेना देना नहीं, और इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। तो बत्रा सर ने खुद के एग्जाम्पल से समझाया, इसीलिए मैंने क्या कहा बेटा, पढ़ना है तो एक्सपर्ट से पढ़ो बेटा, वरना आपका पढ़ना बेकार है। हम एक MBBS डॉक्टर को चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट नहीं है, एंड वाइस वर्सा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्जरी करने के लिए नहीं कह सकते, वो इसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो बेटा जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उसी से मैनेजमेंट पढ़े, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उससे आप FM पढ़ें, वरना बेटा FM FSM भी आपके लिए नॉन स्कोरिंग हो जाएगा। जैसे बेटा नए कोर्स में आपके पास एडवांस अकाउंट स्कोरिंग नहीं है बेटा, मैं कह रहा हूँ आपको नंबर लाना भारी पड़ जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ फाउंडेशन में बच्चों को अकाउंट्स के पेपर में लाने नंबर भारी पड़ रहे हैं। सोचो देश का रिजल्ट है 25%, मतलब 100 में से 75 बच्चा अकाउंट्स का पेपर ही पास नहीं कर पाया है, आप सोचो जरा। तो सोचो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है, क्या हालत होगी बेटा। यही हाल टैक्सेशन का है, यही हाल आपके लॉ का है, लॉ में भी नंबर ज्यादा मैंने नहीं देखे इस बार, बच्चे रिटर्न प्रैक्टिस करते नहीं है, सेक्शन और याद होते नहीं है, इंटरप्रिटेशन आता नहीं है। तो बेटा ये फर्स्ट ग्रुप तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया, और सेकंड ग्रुप में ऑडिट का एक ऐसा पेपर जुड़ गया है बेटा, जिसकी आपको प्रैक्टिस, जिसकी समझ तभी होती है जब बेटा आप जाते हैं आर्टिकलशिप में, अब वो पेपर डाल दिया पहले। तो बेटा ये चार पेपर में 40 स्कोर करना भारी पड़ेगा, दो ही पेपर है जिनमें आप स्कोर कर सकते हो अच्छा, वो है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको कॉस्टिंग कहते हैं बेटा, और दूसरा FMSM। शर्त यही है कि FM आप अलग एक्सपर्ट से पढ़े ताकि वो आपको 40 प्लस दिला सके उसमें, और SM आप एक अलग एक्सपर्ट से पढ़े बेटा जो आपको 40 प्लस दिला सके। हम नहीं कहते बेटा अभी से पढ़ना है, लेकिन अपना टीचर वो चुनो जो SM का एक्सपर्ट हो। इसके लिए मैंने जैसा आपको कहा है, रिजल्ट आ चुका है बेटा, समय मत गवाओ, फटाफट YouTube पे जाओ, हर टीचर जिसको आप अपनी लिस्ट में शामिल करते हो पढ़ना चाहिए उसके 5-7 लेक्चर देखो, अपनी वेवलेंथ मैच करो, और आपको लगता है ये आपको पास करा सकता है, आपके नंबर दिला सकता है, आपको अच्छे से बेटा इस सब्जेक्ट की नॉलेज दे सकता है। क्योंकि मैं बता रहा हूं अब जो पेपर का लेवल बनने वाला है बेटा वो समथिंग एल्स होने वाला है। इंस्टीट्यूट ने इस रिजल्ट से हमें ये शो कर दिया है कि अब रिजल्ट हमेशा कम ही लो ही रहने वाला है। मेरी बात आज बेटा सुन लो आप, मैं अभी से कह रहा हूं, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरी ये बात कही भी बेटा मैं वीडियो चला दूंगा। मई 2024 का इंटरमीडिएट का रिजल्ट 15-18% से ज्यादा नहीं आएगा। तुम सोच लो 100 बच्चे एग्जाम देंगे और 85 पास नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा कठिन होने वाला है ये लेवल। इसीलिए मैं कह रहा हूं चार सब्जेक्ट में जब आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपके सब्जेक्ट बचते हैं दो, एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक FMSM। इसलिए आपको ये चॉइस बनानी पड़ेगी, मुझे FMSM में 80 प्लस लाने पड़ेंगे, और वो तभी होगा जब आपका FM एक्सपर्ट होगा और SM भी एक एक्सपर्ट से होगा। बात आई क्या कुछ समझ में, इज इट क्लियर। रेखा दत्ता कह रही है हाँ सर, पढ़ना है तो एक्सपीरियंस टीचर से पढ़े, नहीं तो पढ़ा होगा वो भी भूल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, और बच्चों के साथ बेटा अक्सर ऐसा होता है कि कहने पे चल पड़ते हैं, है ना, किसी ने कहा, सीनियर ने कहा या साथ वाले ने कहा चलो उधर चलते हैं, उसका तो बेड़ा गर्क होता ही होता है बेटा, आपका और हो जाता है। क्योंकि बेटा वो तो जो है ना वो एक कहावत के अनुसार चलता है, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, तो अगला तो डूबना तय है बेटा, वो आपको भी साथ में डूबा दिया करता है। और इसीलिए देश का रिजल्ट इतना खराब रहता है, क्योंकि बेटा बच्चा सोचता नहीं है, खुद के डिसीजन दूसरों के हाथ में सौंप देता है। जिंदगी का कोई डिसीजन आप दूसरों के हाथ में नहीं सौंप सकते, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया 6 महीने की सजा हो जाएगी, अगला अटेम्प्ट लग जाएगा, स्टिग्मा ऑफ फेलियर और जुड़ जाएगा, 6 महीने लेट हो जाओगे, सीनियरिटी में लेट हो जाओगे, यही साथ वाले सीनियर हो जाएंगे, नौकरी आपसे करते पहले पाए जाएंगे, तनख्वाहें आपसे ज्यादा होंगी उनकी, आपके बॉस कहलाएंगे अगर आप सेम ऑफिस में गए तो, बताओ कितना नुकसान। इसलिए अपने टीचर का चुनाव करते वक्त आपको एटमोस्ट सीरियसनेस और थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। सुननी सबकी है लेकिन करने अपने मन की है, किसी के कहने पर नहीं चलना है।
अपने को केवल अपना चुनाव करना है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ डिसीजन है और हम अपने जिंदगी के डिसीजन किसी और को नहीं दे सकते करने के लिए। इसलिए कतई किसी के कहने पर नहीं चले, अपना डिसीजन आप स्वयं लें। जिस टीचर से आपकी वेवलेंथ मिलती है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस दिखता है, जो आपके वर्चुअल टेस्ट लेता हो, जो आपकी कॉपी पर्सनली चेक करके आपको बताता हो कहां गलतियां कहां नहीं होती है, ऐसा नहीं स्टैंडर्ड रिजल्ट दे दिया खुद ही कॉपी चेक कर लेना जैसे अक्सर टेस्ट सीरीज में होता है, तो बेटा वहां भी आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपकी चीज आपको पर्सनल लेवल पे बताने वाला कोई होना चाहिए, यहां आप गलत हो, इसको आप इंप्रूव करो। और जब तक ऐसा नहीं होगा बेटा, सब्जेक्ट में पास करना अब सीए के पेपर्स में मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूं बेटा। अभी तो आप 25% रिजल्ट देख रहे हो, नया फाउंडेशन का एग्जाम होने दो मई 2024 में, ये 25% से घट के 18 पे आ जाएगा बेटा। तो फाउंडेशन का अगर 18 होगा तो बेटा 10-12% इंटर का होगा, और फाइनल का तो आपको पता ही है बेटा 2-3% रहता है। तो आपके लिए चीजों का चुनाव बड़ी सावधानी से होना चाहिए, इस बात को समझ लें, दिमाग में बिठा लें, वरना बेटा ये नाइटमेयर बुरा सपना जैसा होने वाला है। चलिए, तो मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने कॉन्ग्लोमरेट पढ़ लिया, जिसके लिए 3 कीवर्ड है। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर इसके कीवर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक डायग्राम बनाएंगे, और फिर बेटा डायग्राम, अब इसमें डायग्राम तो कुछ है नहीं, तो इसमें डायग्राम में क्या हो गया, कोई भी एग्जांपल टाटा का दे दिया अपन ने, बत्रा सर का दे दिया, चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं। एक कंपनी को तुम जानते हो बेटा, भारती ग्रुप, तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। भारती ग्रुप ने सबसे पहले आपको एयरटेल टेलीकॉम का प्रोडक्ट दिया, उसके बाद बेटा भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट दिया, उसके बाद बेटा वो क्या लेके आए, डीटीएच लेके आए, है ना, डायरेक्ट टू होम लेके आए। तो आप देख रहे हैं, ये था टेलीकॉम का प्रोडक्ट, ये है बेटा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, और ये है बेटा आपके डीटीएच का मतलब होता है एंटरटेनमेंट का। तो हर काम पहले से अलग किया उन्होंने। तो बेटा ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं, इसलिए केवल बुकिश एग्जाम्पल पे डिपेंड नहीं करना है, हमें आसपास क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और बेटा वो जानकारी आपको केवल कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है। तो बेटा मैंने आपको भारती ग्रुप का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको टाटा का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल और ले लो बेटा, रिलायंस का, रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं मैं बेटा, उनके पास क्या है बेटा, उनके पास RIL है, रिलायंस पेट्रोकेम है, ठीक है, उनके पास क्या है बेटा, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस स्टोर है, ठीक है, मेगा मार्ट्स हैं, उनके पास रिलायंस ज्वेल है, गहने भी बेचते हैं, उनके पास फैशन है, आजियो स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल है जहां वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं, ठीक है, और बेटा उनके पास जियो है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग काम है बेटा, पेट्रोकेम कंपनी, फ्रेश स्टोर, ज्वेलरी स्टोर, फैशन स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, और टेलीकॉम का प्रोडक्ट जियो, ठीक है, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल बेटा। बत्रा सर की क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बेटा एक एक चीज पे कई एग्जाम्पल हम दे देते हैं, और एग्जाम्पल अगर सही तरीके से समझ में आ जाए तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है। तो कॉन्ग्लोमरेट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले से कोई लेना देना नहीं है, अनरिलेटेड, डिसजॉइंट है, जॉइंट नहीं है वो, और तीसरा इसमें कोई भी चीज जो की जाती है वो कैसी हो जाती है हमारे यहां पे, अनरिलेटेड, डिसजॉइंट और नो कॉमन थ्रेड, पहले से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आई जो अभी अभी बत्रा सर ने बताई, बताओ रे चैट में, बताओ रे, सार्थक पांडे ने कहा बिल्कुल समझ में आ गया हमें, और बच्चे भी बताओ भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया,
आया आया कि नहीं आया? लक्षित तोमर ने कहा मुझे भी समझ में आया, शिखर जायसवाल ने भी बोला समझ में आया, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा किसी भी एग्जांपल से ध्यान रख लो, टाटा के एग्जांपल से ध्यान रख लो, बत्रा सर के एग्जांपल से, बत्रा सर एजुकेटर है, ऑटोमेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, रियल एस्टेट डेवलपर है, सोशल एक्टिविस्ट है, हॉस्पिटल ओनर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं बेटा, और भी बहुत सारे नए काम बत्रा सर कर रहे हैं, पर यहाँ नहीं बताया बेटा आपने, आपको फिर कभी इनके बारे में किसी मैनेजमेंट आस्पेक्ट पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो बत्रा सर भी बेटा अपने पूरे दिन में 24 घंटे में बहुत सारे काम करते हैं। मेरा एक फिक्स तरीका है बेटा, मुझे केवल 6 घंटे सोने के लिए चाहिए, बाकी मैं वर्कोहॉलिक आदमी हूँ बेटा, 6 घंटे सोता हूँ, बाकी 18 घंटे आप मेरे को कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करते पाए जाएंगे, ठीक है। मेरे को बेटा गप्पे मारने की आदत नहीं है, मेरे को गॉसिपिंग की आदत नहीं है, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा टीवी देखने का शौक नहीं है, ठीक है बेटा, जो भी है मैं अपने काम में चलते चलते, जैसे मैं ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं पास में बैठा हूँ, तो मैं बेटा उसी समय सारे के सारे जो है न्यूज़ चैनल स्कैन कर दूंगा, गूगल पे खबरें पढ़ लूंगा या कुछ जानकारी एकत्रित कर लूंगा, पढ़ने का शौक बेटा मेरे को बहुत है, ठीक है। एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी बेटा मेरी आदत नहीं होती है कि मैं बेटा सो जाऊं या मैं कुछ और कर लूं, मैं क्या करता हूं अपने लैपटॉप को खोल के कोई ना कोई काम निपटा लेता हूं, कोई नोट्स अमेंड करने होते हैं वो देख लेता हूं, या बेटा कोई चीज़ मुझे अमेंड करनी है, अपेंड करनी है, बुक लिखनी है, बेटर करना है, तो बेटा हम वो काम कर लिया करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, ऐसे ही समय बिताने के लिए जन्म नहीं लिया बेटा, आप आए हैं तो कुछ न कुछ अपना एक इम्प्रेशन छोड़ के जाने के लिए आए हैं बेटा। तो इस धरती को, इस लोगों की ज़िंदगी को आप कितना बेटर कर सकते हैं उसमें आपकी ज़िंदगी निकलनी चाहिए। हमें समय व्यतीत नहीं करना है, ज़िंदगी बितानी नहीं है, एक फ्रूटफुल इम्प्रेशन छोड़ के जाना है। और इसीलिए बेटा मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे अपने बच्चे हों या बेटा आप लोग हो, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कोशिश करो अपने आप को रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो, कल से आज कुछ नया और बेटर करने की कोशिश करो। अगर आप इस आदत में आ जाएंगे, आपको एक बार इसकी लत लग गई, तो बेटा 365 दिन में आप 365 टाइम इम्प्रूव हो जाएंगे, आप पिछले साल के मुकाबले इस साल बेटर ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे, आप पहले साल के मुकाबले इस साल कुछ अच्छा करते पाए जाएंगे, आपको मिलेगा इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि आपने विकसित कर लिए कोर कॉम्पिटेंस। अरे वाह सर, आपने तो एक टॉपिक पढ़ा दिया, बातों बातों में बत्रा सर ने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, एक होता है कोर कॉम्पिटेंस, और इससे मिलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सीसी विल लीड टू सीए, सीसी विल लीड टू सीए। तो आप अपने आप में कोर कॉम्पिटेंस विकसित करो, ये तो आपको बाय प्रोडक्ट की तरह मिलना तय है। अगर किसी में कोर कॉम्पिटेंस है कुछ खास जो आपको दूसरों से अलग करता है, तो आपको मार्केट में दूसरों से मिलेगी एडवांटेज, एज मिलेगी, आप दूसरों से आगे गिने जाओगे। अब जैसे पत्रा सर के पास बेटा 33 इयर्स का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो बेटा 33 इयर्स से इस फील्ड में पढ़ाते हुए बेटा आपको कोई और मिलेगा नहीं। तो बत्रा सर के पास क्या है, ये कोर कॉम्पिटेंस है, जिसको कोई चाहे तो कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पहले 33 साल इस फील्ड में बिताने पड़ेंगे। तो ये आसानी से कॉपीएबल नहीं है कि कोई इसको इमिटेट कर ले, नकल कर ले, उसके लिए पहले जिंदगी बितानी पड़ती है। और बत्रा सर ने अपनी जिंदगी निकाली है, 33 साल से बेटा चार्टर्ड स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो बेटा पढ़ाई में जिंदगी निकली है, एग्जामिनर रहे, पेपर सेटर रहे, है ना, तो वो जिंदगी देखी है क्लोज से। स्टूडेंट लाइफ में भी बेटा मेरिटोरियस रहे, है ना, आई वॉज नेवर केम टू सेकेंड पोजिशन, ये मैं बेटा आपको अपने घमंड के कारण नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के तहत ऐसा हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। आई स्टूड ऑलवेज फर्स्ट, है ना, हमारे यहाँ बेटा उस समय 11th के बोर्ड हुआ करते थे, आई स्टूड टॉपर, है ना, फिर बेटा हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज होती थी, कॉलेज होते, उसके आई वॉज द टॉपर,
तो आप अगर प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे, आप प्रॉपर तरीके के शेड्यूल को फॉलो करोगे और आप बेटा अपने आप को लगातार इंप्रूव करोगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में आना तय है। ये एक सीए का कोर्स बेटा डिफिकल्ट नहीं है, सीए का कोर्स एक लंबा कोर्स जरूर है। इसमें आपकी परसिवियरेंस की परीक्षा होती है, आपकी कंसिस्टेंसी की परीक्षा होती है कि लगातार जब तक आप सीए नहीं बन जाते, ये प्रीफिक्स वर्ड सीए आपके आगे नहीं लग जाता, तब तक आप रुकते नहीं हो, थमते नहीं हो। जब तक आप रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, आपका सीए बनना तय है। बीच में रुक गए, थम गए तो बेटा मुश्किल हो जाएगी, समय लंबा हो जाएगा। तो सीए का कोर्स टफ नहीं है, सीए के कोर्स में आपकी धैर्य की परीक्षा ली जाती है, सीए के कोर्स में आपकी परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी की परीक्षा ली जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, हमेशा एक्सपर्ट लोगों के साथ रहो। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा कोशिश की है जो मेरे से बेटर लोग हैं मैं उनके साथ रहूं। मैं कभी भी अपने बराबर या अपने इंफीरियर लोगों के साथ नहीं रहता, मैं हमेशा अपने से बेटर लोगों के साथ रहा, है ना। और इसी का परिणाम रहा कि मैं उनके साथ कुछ ना कुछ सीखता रहा, वरना बेटा मेरे में सीखने का फ्लो कम हो जाता। तो अगर आपको जिंदगी में सीखना चाहते हैं तो हमेशा अपने से बेटर लोगों के साथ रहने की कोशिश करो, तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे। अगर आप अपने बराबर के लोगों में रहेंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, अपने से इन्फीरियर में रहेंगे नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा अपने से बेटर लोगों की संगत करें, है ना। संगत का रंगत पर असर पड़ता है, इसलिए जरूरी है आप अपनी संगत को बेटर करें, अपनी कंपेनियनशिप को बेटर करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, उसका फर्क आपको पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना हमारे, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा तेरा मन। अगर आप खराब तरीके का खान पान करते हैं तो बेटा आपके आचरण पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। खराब लोगों की संगत में रहते हैं तो आपकी बोली चाली और आपके कार्य व्यवहार शैली पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आपके रिजल्ट भी बेटर होते हैं। तो संगत का चुनाव बड़े सोच समझ के करना चाहिए, है ना। अपने साथ किनको रखना है, इसका चुनाव आपकी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ध्यान रखना इस बात को। बत्रा सर ने बेटा मोटिवेशन की बात, जिंदगी की बात आपके साथ कर दी है, इसीलिए बत्रा सर के लाइव किचन एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हुए इस सब्जेक्ट में आप हमेशा बेटा 40 प्लस स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वो कोर कॉम्पिटेंस आप में हम डेवलप करेंगे जिससे मिलेंगे आपको बेटा 40 प्लस। तो कोर कॉम्पिटेंस विकसित करो अपने आप में, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दूसरों से एक कदम आगे आपको अपने आप बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। तो हमने आज बातों बातों में कोर कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को भी पढ़ लिया। कई लोग इस कोर कॉम्पिटेंस को एक और नाम से जानते हैं, यूएसपी। आप में खास क्या है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप में ऐसा क्या है जो लोग आपका माल ले किसी और का नहीं। अब एप्पल में क्या खास बात है जो लोग एप्पल ही लेते हैं, जो एप्पल के ब्रांड लॉयल्टी से जुड़े हुए वो एप्पल के अलावा कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेते। कभी एंड्रॉयड फोन पे नहीं जाते, वो आईओएस और एप्पल फोन पे ही आते हैं, क्योंकि एप्पल ने उनके मन में उनके काम करने के तरीके से उनकी खूबियों और फीचर के माध्यम से ऐसा स्थान बनाया है जो एप्पल को रिप्लेस नहीं कर सकता, जो एप्पल के अलावा किसी और के बारे में सोचता नहीं है। तो एप्पल ने बनाई है कोर कॉम्पिटेंस, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप में कुछ खास है, बात आई क्या कुछ समझ में। तो बेटा पढ़ते वक्त अगर आप इस डेफ्थ के साथ कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे, इस डेफ्थ के साथ कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, केवल अंडरलाइन नहीं करेंगे बेटा, केवल पढ़ने के लिए नहीं करेंगे, केवल लाल पीले नीले चार्ट खोल के नहीं पढ़ेंगे, तो बेटा आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर पाएंगे। वरना बेटा पढ़ाने को तो बेटा कई तरीके हैं, लाल पीले नीली किताब खोल के बेटा अंडरलाइन कराई जा सकती है, आपको चार्ट बुक रटवाई जा सकती है। लेकिन बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मई 2024 का एग्जाम केवल स्टूडेंट ही नहीं बेटा, इस फर्टर्निटी के कई एजुकेटर्स के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने जा रहा है बेटा। और मैंने तो बेटा इस कोर्स को अपनी जिंदगी में कई बार बदलते देखा है, हर 7-8 साल में इंस्टीट्यूट चेंज करती है, नए नए टीचर उभार लेते हैं और कईयों का बेटा सूर्य अस्त हो जाया करता है। तो बेटा बने रहने के लिए आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना होगा, आपको अपने आप में कोर कॉम्पिटेंस डेवलप करना पड़ेगा, और जिसके अंत नतीजे के तौर पर आपको क्या मिलने जा रहा है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो बातों बातों में आज हमने सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक्स को भी इसके साथ जोड़ दिया, दूसरे चैप्टर्स को भी इसके साथ जोड़ दिया, और इस तरीके से बेटा हम पूरा कोर्स करने जा रहे हैं। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ जरा। चलिए, सबको समझ में आ गया, ये बहुत बढ़िया बात है।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। फ्यूचर सीए कह रहा है मज़ा आ रहा है, आना ही चाहिए। अगर आप बेटा पढ़ाई को मज़े के साथ नहीं करते हो तो वो सजा के बराबर हो जाती है। पढ़ाई होनी चाहिए मज़े के साथ, ताकि बेटा वो सजा न बने, और जो पढ़ाई मज़े के साथ नहीं होती है वो सजा के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। संदीप पूछ रहा है सर कोर्स प्राइस क्या है। बेटा अगर आप बेटा आज और कल में से ले रहे हैं तो फिर बेटा इसकी प्राइस है 2500, अगर आप इसे आज या कल में ले रहे हैं तो। ठीक है, हमने बच्चों के कहने पे थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, आज और कल में ही इसे ले रहे हैं तो बेटा 2500 का पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको 10 तारीख तक बेटा एक्सटेंड कर दिया, 10 अगस्त तक। तो 10 अगस्त तक आप परचेज करते हैं तो 2500 का है, जिसमें प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपके डोर स्टेप पे। मई 2024 तक बेटा अनलिमिटेड व्यू हैं, वर्चुअल टेस्ट लिए जाएंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज 5 टॉपिक हैं आपके बेटा, और एमटीपी आरटीपी का सेशन कराएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है कसम से, अरे वाह कसम से मजा आ रहा है कुछ बच्चों को। ठीक है, और बेटा इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, www.batrasar.com, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414127751 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी की डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कॉन्ग्लोरोमेट के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। कहता है इज इट रियली वर्थ एक्सपेंडिंग सो मच टू डाइवर्सिफाई ए बिजनेस इनटू अनरिलेटेड प्रोडक्ट। क्या हमें रियली इतना डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आइए अब हम इस पे बात करते हैं। क्लियर है। आइए तो बात करते हैं बेटा अपन। तो कॉम्प्लेक्सिटी जरूर होती है, पर कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, और आपको न्यू पोल ऑफ कस्टमर मिलते हैं, कस्टमर बेस से क्रॉस सेलिंग करने में मदद मिलती है, जिससे आपके रेवेन्यू बढ़ते हैं। तो अगर रिलायंस कई तरीके के प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्टों में एक प्रोडक्ट पे कस्टमर आता है और जब उसे पता चलता है रिलायंस का दूसरा प्रोडक्ट भी है तो वो भी परचेज कर लेता है। जैसे मैं बता रहा हूँ बेटा, बत्रा सर फाउंडेशन में BCK एंड ईको पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, ये है ओल्ड कोर्स। न्यू में बत्रा सर क्या पढ़ाएंगे बेटा, केवल इको वाला पोर्शन। इंटर में बत्रा सर पढ़ा रहे हैं ESSM अभी नवंबर तक, ये नवंबर 23 तक है, और न्यू में पढ़ाएंगे SM बेटा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ फाउंडेशन में मैथ्स भी बत्रा सर वापस से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं बेटा। अब जो बत्रा सर से इको परचेज करेगा बेटा वो मैथ्स भी लेगा, क्रॉस सेलिंग होगी, ठीक है। इंटर में जिस बच्चे ने पढ़ लिया वो इंटर फाउंडेशन में पढ़ लिया वो इंटर में बेटा SM भी परचेज करेगा, होगी क्रॉस सेलिंग। तो अगर आप मल्टीपल अनरिलेटेड प्रोडक्ट में डील करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, तो बेटा आपको ग्राहक वर्ग कई तरीके के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मिल जाया करता है। इसलिए लोग अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इससे क्रॉस सेलिंग करने में मदद मिलती है। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर। चलिए सबको समझ में आ गया। तो डाइवर्सिफाई करना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स इन क्रॉस सेलिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीके हमने देख लिए डाइवर्सिफिकेशन के, कंसेंट्रिक सेम फील्ड में करना और कॉन्ग्लोमेरेट डिफरेंट फील्ड में करना, ठीक है। कंसेंट्रिक में आप अमूल का एग्जाम्पल याद रखना, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बनाया अमूल ने, अमूल बनाया, मिल्क दिया, घी दिया, चीज़ दिया, बटर मिल्क दिया, चॉकलेट दी, मिठाइयाँ दी, आइसक्रीम दी, सारे मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से पार्ले ने, पार्ले जी आपको बिस्किट दिया ग्लूकोज का, मोनाको दिया, सॉल्टी बिस्किट दिया, हाइड एंड सीक दिया, कुकीज़ दिया आपको, सारे के सारे बिस्किट प्रोडक्ट ही हैं लेकिन अलग अलग बेस के साथ दिया, वो कंसेंट्रिक था एक जैसा। यहाँ अनरिलेटेड अलग अलग, रिलायंस का एग्जाम्पल, पतंजलि का एग्जाम्पल, टाटा का एग्जाम्पल, बत्रसर का एग्जाम्पल है ना, एयरटेल का एग्जाम्पल, भारती ग्रुप का एग्जाम्पल, ये सारे कंसेंट्रिक में। आइए तीसरे तरीके पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं इनोवेशन।
क्या नाम है इसका? इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नई चीजें खोजबीन करके लाना। तो इनोवेशन में R&D का बड़ा योगदान होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का बड़ा योगदान होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनोवेशन क्यों चाहिए? इनोवेट करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्टों में भी नई चीज लाते हैं और सर्विसेज में भी नई चीजें लाया करते हैं। मुझे याद आता है बेटा, मैंने 89 में जब पढ़ाना शुरू किया था तब मैं बातों बातों में यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत एग्जाम्पल देता था, क्योंकि बेटा मेरे साथ के पढ़ने वाले कई लोग वहाँ सेटल्ड हैं, ठीक है। तो मेरे को जब उनसे बात होती थी और या वो इंडिया आते थे तो बेटा वो बात करते थे कि हमारे यहाँ अच्छी स्पीड का इंटरनेट मिलता है, जिसके कारण हमारे यहाँ खूब सारी ई कॉमर्स की साइटें बढ़ रही है। 1996 में अमेजन की शुरुआत हुई थी तब बेटा भारत में हमारे यहाँ ऐसे ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो बेटा वो इनोवेट बहुत ज़्यादा करते हैं। अमेरिका आगे क्यों है? अमेरिका आगे क्यों है? भगवान ने क्या बेटा अमेरिका की धरती पे क्यों अलग से हाथ रख रखा है कि तुम आगे रहोगे बाकी सब पीछे रहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अमेरिकन्स इनोवेट बहुत करते हैं, और जब वो इनोवेट करते हैं तो नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी वो पहले बनाते हैं, और जो चीज पहले बनाता है उसको पायोनियर कहते हैं। फिर उस प्रोडक्ट को वो खूब बेचा करते हैं और दुनिया का धन कमा लिया करते हैं। तो दुनिया में जो इनोवेट करता है, चाहे वो पढ़ाने के तरीके में इनोवेट करे, चाहे वो काम करने के तरीके में इनोवेट करे, तो बेटा वो नंबर वन बना रहेगा। तो इनोवेशन प्रोडक्ट में नए फीचर भी ऐड करता है, इनोवेशन से नए प्रोडक्ट भी आते हैं। तो तीसरा तरीका है इनोवेशन, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा योगदान होता है। इनोवेट का मतलब होता है नई नई खोज करके नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों को ऑफर करना। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर? बिल्कुल सबको क्लियर हो गई है, बहुत अच्छी बात। हम नहीं करते गंदी बात, अरे गंदी बात हम नहीं करते, गंदी बात, गंदी 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 बात, हम करते अच्छी बात, अच्छी 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 बात। तो आइए इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन ड्राइव्स द अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन मतलब बेटर करना, ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस और प्रोसेसेस, लीडिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर। पर्पस क्या है? हम इनोवेट क्यों करें, हम अपग्रेड क्यों करें? क्योंकि हम मार्केट में ज्यादा माल बेचना चाहते हैं, मार्केट में शेयर बढ़ाना चाहते हैं। शेयर बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। इसलिए इनोवेशन जो होता है हमें करना पड़ेगा। लेकिन इनोवेट करते हैं तो वो फोकट में नहीं हो जाता, पैसे लगते हैं उसके पीछे। इनोवेशन में एक्सपेंसेस होते हैं और कई बार वो एक्सपेंसेस उतने रिटर्न नहीं दे पाते। पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन रिटर्न नहीं आया, ठीक है। कहते हैं ना एक कहावत कही हुई है, अपने पुरानी कहावतें बहुत सही कही हुई है ना, आमदनी अठन्नी, आपकी आमदनी मतलब इनकम है आपके कम, आप खर्चा है आपका ज्यादा, तो आमदनी अठन्नी खर्चा आपका ज्यादा, तो फिर बेटा चलेगा कैसे? तो आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो, इनोवेशन में पैसा ज्यादा लगाया रिटर्न नहीं आया, तो ऐसा इनोवेशन किस काम का? लेकिन लॉन्ग रन में बिजनेस से इसको फायदा होता है, बिजनेस में फायदा होता है। बात आई क्या सबको समझ में? चलिए तो आइए क्या क्या फायदे होते हैं देखते हैं। पहला फायदा, इट हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इनोवेशन से दुनिया की कई ऐसी समस्याएं हल हुई है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जैसे बेटा कोविड आया, कोरोना आया, तो कोरोना आने पर हमें बेटा लोगों के टेम्परेचर चेक करके उन्हें सेपरेट आउट करना पड़ता था। तो बेटा क्या हुआ, इस स्थिति को देखते हुए सऊदी अरब में, दुबई में, उन्होंने बेटा स्पेशल हेलमेट सेंसर्स का प्रयोग करना शुरू किया, इनोवेशन, ताकि दूर से ही व्यक्ति का टेम्परेचर नाप लें और अगर उसे कोरोना है, उसका हाई टेम्परेचर, उसको भीड़ से अलग कर दें वरना ये फैला देगा, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा बेटा आपको वीडियो दिखा देता हूं कि दुनिया की कॉम्प्लेक्स समस्याएं R&D से कैसे हल होती हैं, R&D से कैसे हल होती हैं, आओ मैं आपको बताता हूं। आइए आइए आइए, बार बार आइए, हर बार आइए।
एक मिनट का समय दो बेटा, मैं ढूंढ लूं वो कौन सा है। ये देखिए बेटा, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज हमने कोरोना के क्षेत्र में किया। देखिए जरा, हेलमेट में कैमरा लगे हुए हैं जिससे टेम्परेचर हर एक का नाप रहे हैं शरीर का, और अलाउ कर रहे हैं और डिसअलाउ कर रहे हैं। किसी को नापने के लिए पास जाने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन, तो आपने देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पुलिस ने इस तरीके का यूज किया। ये आपको समझाने के पर्पस से मैंने दिखाया। ऐसे ही कुछ इनोवेशन अलग अलग फील्ड में और हुए हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। आप देखें सुंदर पिचाई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक इनोवेटिव टेक्निक है, उसका उपयोग आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने बेटा पेश किया अभी कुछ समय पहले। As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. तो आपने देखा इनोवेशन के माध्यम से कैसे छोटे बिजनेसेस को गूगल असिस्टेंट मदद कर रहा है। आपको एक पर्सनल असिस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है। आपका गूगल असिस्टेंट जो कि एंड्रॉयड फोन में आसानी से मिल जाता है, कंप्यूटर में आसानी से मिल जाता है, वो आपके लिए सारे काम कर देगा। आजकल अपन बोल के भी तो सारा काम करा देते हैं, गूगल का ऐड भी होता है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, बोलने से सब कुछ होगा। इनोवेशन।
बोलने से सब कुछ होगा। तो बेटा इनोवेशन ही तो है, तो इनोवेशन से हम दुनिया को बदल सकते हैं। इनोवेशन में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जिससे प्रोडक्ट में नए फीचर आते हैं। अभी कोई बच्चा बोल रहा था सर आपके पास इतनी चीजें हैं, बेटा बत्रा सर के पास भंडार है, भंडार। पिछले 33 सालों में बत्रा सर ने सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए इन सब चीजों को इकट्ठा किया बेटा, इसलिए हर टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए बत्रा सर के पास खुद के एग्जाम्पल हैं, दुनिया के एग्जाम्पल हैं, ऐसे विजुअल एग्जाम्पल हैं, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है बेके। क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है बेटा, दुनिया में इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता। अगर आज दुनिया में कोई अच्छा कमा पा रहा है, दुनिया में कोई अच्छा काम कर पा रहा है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, उसका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। वो स्ट्रैटेजी बना के अपनी चीजों को मैनेज कर लेता है। किन को मैनेज करता है? 5 चीजें मैनेज करनी होती है, मैन पावर ह्यूमन रिसोर्सेज को, मनी पैसे को, उसके बाद में मशीन को जो आपके पास में है, इसके अलावा बेटा मटेरियल को और मेथडोलॉजी को। इन सब चीजों को जो मैनेज करना जानता है वो बेटा धनवान हो जाता है। एक तुम ही धनवान हो व्यक्ति जो मैनेज करता है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से। बात आ रही है क्या कुछ समझ में सभी को? क्लियर आ रही है क्या सभी को समझ में बात? तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मुझे आपको बताने थे। अब रोज पढ़ाई बेटा इन्हीं सचित्र विचित्र बेटा कथाओं के साथ हम करेंगे, जिनमें बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाए जाएंगे टॉपिक के ऊपर। अजय जैन ने शायद कहा था सर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, बिल्कुल बेटा भंडार पड़ा है हमारे पास में ऐसी चीजों का, जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम आपको दिखाएंगे और उसके माध्यम से पढ़ाएंगे। बात आई क्या सबको समझ में? चलिए आओ इनोवेशन को कंप्लीट करते हैं आज। तो इनोवेशन हेल्प्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दुनिया की कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर लेता है। ए बिजनेस स्ट्राइव टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड गो थ्रू द प्लान्ड इनोवेशन। तो अगर हम प्लान्ड इनोवेशन से दुनिया की कठिन से कठिनतम समस्याओं को हल करते हैं तो दुनिया एक बेटर लिविंग वर्ल्ड बन जाती है, जहां रहा जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल pressing problem of environmental damage is being tackled by shifting renewable sources of energy like solar, wind and other, है ना? अब क्या हो रहा है बेटा, भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने कह दिया है 2025 आते आते भारत की सड़कों पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ज्यादा दौड़ते हुए दिखेंगे। और बेटा मैंने भी इस बात को समझ लिया था, इसलिए मैंने बेटा 2 स्कूटर अपने दोनों बच्चों के लिए 2 स्कूटर खरीद लिए, इलेक्ट्रॉनिक वाले, बैटरी वाले। अब बेटा पोल्यूशन होता नहीं है, मेरा कार्बन फुटप्रिंट इस मायने में हो गया 0। ठीक है, और बेटा मैंने अपने घर के ऊपर लगा दिया सोलर, ताकि बेटा मेरे को बिजली की डिपेंडेंसी से मुक्ति मिले। मेरा बेटा सूरज जो है वो सोलर सेल में इतनी रोज की बिजली दे देता है कि मेरे घर की खपत पूरी हो जाती है। ठीक है, मेरे घर में बेटा कुल मिला के 6 AC लगातार चलते रहते हैं, 6 ACs, है ना? और बेटा मैं जिस जगह रहता हूँ उसका नाम है जोधपुर शहर, ये बेटा साल के 10 महीने इसी गर्मी में रहता है। 2 महीने केवल हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है बेटा, दिसंबर के एंड से लेके और बेटा जनवरी के और फरवरी के फर्स्ट वीक तक, मान लो दिसंबर के एंड से फरवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक ठंड पड़ती है, बाकी बेटा हमारे यहाँ टेम्परेचर गर्म ही रहता है। तो 6 AC बत्रा सर के लगातार चलते रहते बेटा, एक स्टूडियो में चल रहा है, घर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे हैं, तो बेटा सबके पास अपने अपने तरीके हैं काम करने के। सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलते रहते हैं बेटा, है ना? सारी वॉशिंग मशीनें काम करती रहती है, ओवन काम करते रहते हैं, चिमनियां काम करती रहती है। उसके बावजूद बत्रा सर बेटा हमारे राजस्थान के बिजली डिपार्टमेंट से पैसे मांगते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जितनी बिजली की जरूरत है उससे ज्यादा मेरा सोलर सेल उसको डेवलप कर दिया करता है। इनोवेशन बेटा, तो इनोवेशन से हम क्या कर सकते हैं, दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। बात आई क्या सबको समझ में? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। देवर्ष खत्री कह रहा है गूगल वाला ये फीचर कब से आ गया? बेटा आ गया, आप यूज कर सकते हैं उसको आज भी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कम लोगों द्वारा ज्यादा काम कराया जा सकता है इनोवेशन से। अभी आपने देखा गूगल असिस्टेंट एक साथ कई लोगों को कॉल कर सकता है, कई लोगों को जवाब दे सकता है। आपने देखा होगा बत्रा सर के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े हुए हो, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, बत्रा सर के नाम से ही है बेटा, मेरा फोटो भी लगा हुआ है टेलीग्राम में, आप जाओगे तो वहां पे बेटा हमने कुछ बॉट लगा रखे हैं, जो कोई भी एक्सटर्नल लिंक जो आता है जो हमें लगता है कि बच्चों के लिए नहीं है या बेटा फालतू का है, इससे आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली हटा देता है। अब सोचो अगर ये मैंने बॉट नहीं लगाया होता, रेडीमेड प्रोग्राम नहीं लगाया होता, सिक्योरिटी का एजेंट नहीं लगाया होता जो कि एक प्रोग्राम है, तो मुझे कितने लोगों को मेरे सारे चैट को पढ़ने के लिए और इनमें से इन चीजों को हटाने के लिए रखना पड़ता, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना बॉट से।
आप जानते ही हैं बेटा। तो ये क्या कर रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, जैसे बॉट इन टेलीग्राम चैनल। तो मैं एग्जांपल बेटा आपको दे रहा हूँ। अब बेटा किताबों में बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, पर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ जो बत्रा सर यूज़ करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं इन टेलीग्राम चैनल। तो बेटा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। इसी के साथ साथ बेटा जो आपने बता दिया एआई का उपयोग, यूज़ ऑफ एआई, ये हो गया बेटा हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो बत्रा सर के बाद हर चीज़ का सोल्यूशन है बेटा, इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसता है तो बेटा जिनको पता है बत्रा सर के पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, इलाज है, वो बेटा फट बत्रा सर के पास आ जाता है, प्रॉब्लम से निकालो। अभी हम पढ़ते पढ़ते अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में उनका ही एग्जांपल्स को आगे शामिल करेंगे। सो इनोवेशन लीड टू सिंप्लीफिकेशन इन मोस्ट केसेस ऑटोमेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट फ्रॉम द टास्क और प्रोसेस। तो हम काम कम करेंगे, आउटपुट ज्यादा निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे एमएस एक्सेल हर फाइनेंशियल प्रोफेशनल द्वारा यूज किया जाता है उसके मैनुअल टास्क को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल करने के लिए। तो एमएस एक्सेल में दुनिया भर का काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक चार्टर्ड स्टूडेंट कर पाता है, टैली से कर लेता है। तो ये एग्जांपल है हमारे किसके, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के। तीसरा है बेटा गिव्स द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर कोई मैनुअली काम कर रहा है और आप इनोवेशन के बाद ऑटोमेशन से काम कर रहे हैं तो आपके पास मिलेगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आपके पास हो गई कोर कॉम्पिटेंस, क्योंकि आप में आपके कॉम्पिटेटर के मुकाबले कुछ खास बात है जो आपके कॉम्पिटेटर के पास नहीं है। सो बींग अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन इज अ नीड इन बिजनेस, स्पेंड मेजोरिटी ऑफ टाइम इन बिल्डिंग द सोल्यूशन ताकि आपको मिले कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ठीक है। फर्दर इट गोज वेन कॉम्पिटिटर रीच, तो आपकी रीच बढ़ती है इससे। तो हमारा मेन एम है टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर, इनोवेशन नॉट ओनली हेल्प रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर बट अक्वायर न्यू वंस इजीली। तो मुझे बताओ अगर आप बेटा एसएम किसी और से पढ़ते हो और आप एसएम बत्रा सर से पढ़ते हो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा बेटा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ने का एक्चुअल तरीका क्या है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको आम जिंदगी में कंपनियां इंडिविजुअल लोग जीते हैं और बत्रा सर इसको रोजमर्रा की जिंदगी में उन लोगों की जिंदगी में शामिल कराते हैं क्योंकि बत्रा सर हैं ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसलिए बेटा ये सब्जेक्ट मेरी भी जिंदगी है। तो बेटा जब आप किसी एक्सपर्ट से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसको फील्ड का नॉलेज कितना है, वो किसी चीज को कैसे यूज करता है, एम्प्लॉय करता है। और इनोवेशन से हमें मिलती है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो तीन एडवांटेज हमने यहां पे देखी बेटा जी। पहली क्या है बेटा इनोवेशन में, इट हेल्प्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दुनिया की कठिन से कठिनतम समस्याओं को हल करता है। दूसरा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, कम समय में कम लोगों द्वारा ज्यादा काम किया जा सकता है, आरओआई बढ़ता है। और तीसरा है बेटा आपको देता है ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ओहो समय समाप्ति की घोषणा हो गई, तो आज इसको यहीं रखते हैं बेटा जी। कल हम आगे लेंगे बेटा एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी से, जिनमें एक्विजिशन, मर्जर्स, जॉइंट वेंचर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसी बाहरी चीजों को देखेंगे जहां हम दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर अपनी ग्रोथ को पाएंगे। मैं होप करता हूं आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव, मजेदार और बहुत ही बेटा शानदार रहा होगा। चैट में मुझे देख के बता सकते हैं बेटा, और जो लोग बाद में इसे देखते हैं ऑफलाइन तरीके से रिकॉर्डेड मोड में, मैं उनको भी कहूंगा अगर बेटा आपको ये चैनल पसंद आता है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, नए नोटिफिकेशन के लिए तैयार करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे बच्चों को शेयर जरूर करें जिन्हें इस सब्जेक्ट में मुश्किल लगती है या आपको लगता है ये सब्जेक्ट वो पढ़ के बेटर फील करेंगे तो आप उनका इतना भला कर सकते हैं। और आपके कमेंट अभी लाइव कमेंट के बाद में बेटा हमें कमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं जहां आप बता सकते हैं हमारी टीचिंग के बारे में और अपनी कुछ प्रॉब्लम जिनका आप हमसे सॉल्यूशन चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल जब घड़ी इशारा करेगी शाम के 5 बजे, बत्रा सर फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर जिसका नाम है प्रोफेसर जत्रा बत्रा CA क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, शेयर दिस गुड वर्क टू अदर्स ऑल्सो बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स।